तेल के मामले में सऊदी अरब दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता है, लेकिन जब बात आती है पानी की तो इससे गरीब शायद ही कोई होगा। रेगिस्तान में बसे सऊदी अरब में ना तो कोई नदी है और ना ही कोई झरना। इन सब के बावजूद इस देश में पानी की कोई कमी नहीं है। रोजाना के कामकाज से लेकर साफ सफाई के लिए सऊदी में पानी की कोई कमी नहीं होती। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, आखिर सऊदी अरब पानी की आपूर्ति कैसे करता है। सऊदी अरब का 95% हिस्सा रेगिस्तान से घिरा है, तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि यहाँ पानी की पूर्ति कैसे होती होगी। दिल्ली जैसे शहरी इलाकों में अगर एक दिन पानी ना आए तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जिंदगी थम सी जाती है। तो जरा सोचिए, सऊदी में जहाँ चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान है और पानी की भारी किल्लत है, वहाँ लोग कैसे जीते होंगे। सऊदी अरब में अगर कोई समस्या है तो वो है पानी। सऊदी अरब में प्रति व्यक्ति पानी की खपत हर दिन 265 लीटर है, जो कि यूरोपीय यूनियन के देशों से दोगुनी है। सऊदी अरब में नदियाँ, झीलें कुछ भी नहीं है। लंबे समय से यहाँ के लोग पानी के लिए कुओं पर निर्भर थे, लेकिन आबादी के साथ जमीन के पानी की खपत भी बढ़ गई। धीरे धीरे कुओं की गहराई बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया जब सारे कुएं सूख गए। पानी के प्राकृतिक सोर्स एकदम विलुप्त हो गए। यहाँ साल में महज एक या दो ही दिन बारिश होती है, जो विंटर स्टॉर्म्स की शक्ल में आती है, और इससे ग्राउंड वाटर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर यहाँ पानी की भारी किल्लत है। इसी वजह से सऊदी ने 2015 में पानी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर टैक्स बढ़ा दिया था। पानी की बढ़ती मांग के चलते सऊदी की सरकार ने ऐसी तरकीब निकाली जिससे यहाँ पानी की अब कोई कमी नहीं है। दरअसल सऊदी अरब के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक्वीफर्स टेक्नोलॉजी। सऊदी अरब ने तमाम परेशानियों के बावजूद कई ऐसे नए नए तरीके खोज निकाले हैं जिससे वो पानी की मांग को पूरा कर सके। सऊदी में पानी से जुड़े सभी मामले जल और विद्युत मंत्रालय के अधीन आते हैं। यहाँ पानी का अहम स्रोत अब एक्वीफर्स है। इसके तहत अंडरग्राउंड जल का संग्रह किया जाता है। 1970 में यहाँ की सरकार ने एक्वीफर्स पर काम शुरू किया था। देश में हजारों एक्वीफर्स बनाए गए। इन्हें शहरी और कृषि दोनों जरूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी तकनीक की। सऊदी अरब में पानी का दूसरा अहम स्रोत समुद्र है। जब यहाँ मीठे पानी के सोर्स की कमी होने लगी तो सरकार ने विचार बनाया, क्यों ना समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाए। बस फिर क्या था, वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया, जिसे डेसैलिनेशन का नाम दिया गया। इस प्रोसेस के तहत खारे पानी से खारे मिनरल कंपोनेंट्स को हटाया जाता है, जिससे पानी पीने लायक बनता है। वर्तमान में सऊदी अरब दुनिया में डेसैलिनेटेड पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। सलाइन वाटर कन्वर्जन कॉरपोरेशन डेसैलिनेशन 27 स्टेशन को ऑपरेट करता है। ये सऊदी का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल प्रोवाइडर है। SWCC की मदद से 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पोटेबल वाटर रोजाना निकलता है। इन प्लांट की मदद से सऊदी में 70% जल उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही इंडस्ट्रीज के इस्तेमाल के लिए भी पानी यहीं से सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा SWCC इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का अहम सोर्स है। इंटरनेशनल डिसैलिनेशन एसोसिएशन IDA का अनुमान है कि दुनिया भर में 30 करोड़ लोग पानी का इस्तेमाल डिसैलिनेशन से ही करते हैं। हालांकि ये प्रोसेस काफी कठिन है। यहाँ ऊर्जा के लिए डिसैलिनेशन पावर प्लांट पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इससे कार्बन रिलीज होती है और इस पूरे प्रोसेस में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रक्रिया से मरीन इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है। समुद्र के पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीक बहुत महंगी है। लागत की बात करें तो $1,000 प्रति एकड़ फुट का खर्चा आता है। वहीं नॉर्मल तरीके से पानी के स्रोत से जल को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया पर $200 प्रति एकड़ फुट का खर्च आता है। हालांकि डिसैलिनेशन की तकनीक धीरे धीरे उन्नत हो रही है। इस पर कई देशों के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं कि कैसे कम से कम लागत में पानी का समाधान निकाला जाए। डिसैलिनेशन पानी की सबसे ज्यादा खपत सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात,
कतर, बहरीन आदि में है, जो कि डिसैलिनेटेड पानी का लगभग 70% हिस्सा उपयोग कर लेते हैं, जबकि उत्तरी अफ्रीका में डिसैलिनेटेड पानी की खपत पूरे विश्व के उत्पादन का महज 6% है। जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब तेल बेचकर जितना कमाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने में लगाता है। सऊदी की सरकार का कहना है कि यहाँ हर साल पानी की मांग 7% की दर से बढ़ती जा रही है। अगले एक दशक में इसके लिए $133 अरब के निवेश की जरूरत पड़ सकती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अभी अपनी GDP का 2% पानी की सब्सिडी पर खर्च करता है। इसके मुताबिक 2050 तक मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों को अपनी GDP का 6-14% हिस्सा पानी पर खर्च करना होगा। तो देखा आपने, अमीर देशों की लिस्ट में शुमार होने के बावजूद सऊदी अरब को पानी के लिए कितना खर्च करना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।